कैफे पहलगाम में मैं अभी बैठी हूँ एंड आई रियली लव दिस कैफे. अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए. दे हैव वन ऑफ द बेस्ट कावा. लाइक आई ट्राइड इट इन श्रीनगर क्लोज टू द डल लेक, बट वहाँ पे अच्छा था. बट आई स्टिल फाइंड ये यहाँ का ज्यादा बेटर है. आप कुछ भी ऑर्डर करो, दे मेक स्पेशली, दे प्रिपेयर फ्रेश फॉर यू. बाकी रेस्टोरेंट की तरह नहीं कि दो दिन पहले बना दिया, उसको गर्म करके दे दिया, दे गिव इट फ्रेश. तो यहाँ के हम ऑनर से बात करेंगे, मिस्टर गुलाम नबी जी से. हेलो सर, कैसे हैं? ओके. तो ये मेरा बाय द वे मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने बाहर बोला कितने टाइम से हो, इन्होंने बोला जब तुम पैदा नहीं हुई थी मैं तब से हूँ. ओके, एनीवेज, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपको तो काफी टाइम से है, जब से मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले से, ठीक है, तो जैसे ये कैफे को कितना टाइम हो गया आपका? इससे पहले मेरी दुकान वहाँ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास थी. टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास? ओके. तो वो जल गई 14 जून 2014 को. ओके, ठीक है. उसके बाद 5-6 महीने बैठा था मैं. 5-6 महीने काम नहीं था, फिर दोबारा से स्टार्ट करा. ये तो ऑलरेडी दुकान था मेरे पास, लेकिन मैं जाने बैठता था. ओके, तो जी मैं दुकान में बड़ी दुकान थी. ओके, छोटी है ना, मेरा बहुत सारा सामान था वो घर पर है. ओके, तो 5-6 महीने बैठे फिर इधर थोड़ा सा सेट किया 2-4 साल से. बट इससे पहले अच्छी दुकान थी मेरी, इससे पहले अच्छी थी, बट ये भी बहुत प्यारी अच्छी दुकान. तो शॉप और बड़ा भी, कैफेज वगैरह को एक्चुअली हमें बहुत शौक है. बट आई थिंक अभी जितना भी हम लोग पूरा डल लेक घूमा, वहाँ पे कावा काफी सारा हमने खाना ट्राई करा, बट आपका कावा जो है आई थिंक दिस इज द बेस्ट कावा सो फार. सब लोग मेरे पास बहुत सी वो बुक थी जिसमें वो टूरिस्ट जो एक्टर लोग भी आते हैं. जी जी, सलमान जी भी नाम की, सलमान खान साहब. मैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं देता हूँ किसी हीरो की, जैसा आप ये है उनसे तो गाइस, सिर्फ लोकल टूरिस्ट के अलावा यहाँ पे काफी सारे सेलिब्रिटीज तक यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली एक बार तो इधर आना बनता है. तो सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, आपकी यहाँ का स्पेशलिटी क्या है खाने में या जो भी पीने में है, अगर आपको 2-3 चीजों का नाम लेना हो तो? असल में मैंने जो दुकान का नाम रखा है कैफ, कैफ मीन्स जहाँ आपको कहवा मिलेगा. ओके, कहवा जी. तो उसके साथ मैंने चाय का जितनी भी क्वालिटी होगी, ओके, कोई लेमन टी है, कॉफी है, ब्लैक टी है, किसी भी मतलब इस एशिया में, नॉट ओनली इन कंट्री, एशिया में जितने भी लोग हैं मैं इनको फेस से चेक करूंगी किस टेस्ट के लोग हैं, किस टेस्ट का चाहिए इनको. बहुत अच्छी बात है अगर आपको लोगों का ऑलरेडी टेस्ट पता है. कैसा लगा यहाँ का खाना आप लोगों को? अच्छा. चाय कैसा है? कावा बढ़िया है. वैसे तो आप लोग आते रहते हो यहाँ पर? हाँ, रोज ही होते हैं. पीछे रहते हो क्या? नहीं, रोज रहते हैं. ओहो, तो देखो यार इतना फेमस है यहाँ का ये जो कैफे है कि लोग रोज रोज आ जाते हैं. देखो इनको ये कॉम्प्लीमेंट था, बट सीरियसली अच्छा है. तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे क्राउड आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब है कैफे अच्छा है, खाना अच्छा है, चाय कॉफी अच्छी है, तो ही बंदा बार बार आता है. अगर अच्छा नहीं होगा तो बार बार कोई रिपीट नहीं करेगा एक सिंगल प्लेस. जैसे यहाँ पे जो पहलगाम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या क्या है? मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो मेनली जो लोग आते हैं वो ट्रैवल करते हैं या करना चाहिए उनको, मतलब वो ट्रैकिंग को जाते हैं? आरू, आरू, आरू और प्राइग्रेशन. आरू जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, प्राइग्रेशन, ग्लेशियर, कुलाई ग्लेशियर. ओके, और यहाँ से टुलियन लेक, चुलिया, जूलियन लेक, जूलियन लेक, और उससे पहले भाई सरंग. और भाई सरंग. ओके, भाई सरंग में क्या है? ये नेचुरल ब्यूटी है, मैडो है, समझो वो मैं वो जो फोटो है ये भाई सरंग. ओके, इसके अलावा और कौन सा है? बहुत सारी जगह है. और कौन बहुत सारी जगह है? बहुत सारी जगह. अगर आप पूरे साल को यहाँ बैठेंगे ना फिर भी कम पड़ेगा टाइम. जी नहीं, हम लोग आइडिया भी बहुत बड़ा है. हम लोग फिर से आ रहे हैं, विंटर्स में आ रहे हैं हम लोग, दिसंबर के लास्ट में भी आते हैं फॉरेनर्स. और बेताब वैली कैसा है यहाँ का? बेताब वैली तो सीनरी बहुत अच्छी है. सीनरी बहुत अच्छी है. और एक मैमल टेम्पल है, ये कौन सा टेम्पल? जहाँ मैं रहता हूँ. अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? जस्ट 1 किलोमीटर. ओके, और एक लीडर एम्यूजमेंट पार्क है, वो अभी तो बंद हो गया. एम्यूजमेंट वो इस वक्त बंद है. अच्छा, अभी बंद है. ओके, इनको तो वो ओपन होती है.
और ये पोशवान पार्क भी है कोई यहाँ पे बेस्ट पार्क इन कश्मीर ओके गाइस पहलगाम क्लब ऑल राइट गाइस सो पोशवान पार्क है यहाँ का यू शुड डेफिनेटली विजिट क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट टॉप टूरिस्ट पार्क है बेस्ट है वो कश्मीर में ओके तो डेफिनेटली पोशवान पार्क भी जाएंगे और शीशनाग कैसा है शीशनाग आपको अगर यहाँ से स्टार्ट करना है सपोज आप सुबह 7 बजे निकलेंगे तो जैसा आपका चलना है इस हिसाब से आप शाम 5 बजे पहुँचेंगे आपको स्टे करने है एक नाइट ऊपर शीशनाग में तो प्लेस है ऊपर स्टे करने का शीशनाग में टेंट ले सकते हैं अच्छा और जैसे अगर हम वहाँ तक जाते हैं चंदनवाड़ी तक जाते हैं ऊपर चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर है भाई गाड़ी ठीक है उसके आगे गाड़ी वगैरह नहीं जाता है भाई वो ओके अच्छा अच्छा एक ये चीज है क्या बोलते हैं इसको एक तो आरू वैली हो गया आरू वैली के बारे में क्या बोलोगे आप आरू वैली जो है वो सबसे फेमस है वो साइड वहीं से वो ग्लेशियर जाते हैं ओके बहुत फेमस प्लेस है वो फॉरनर जाते हैं और ये कश्मीर वैली जो है यहाँ पे कश्मीर वैली एक तो ऐसा नया ही नाम कुछ निकला है अच्छा मुझे पता नहीं इतनी जगह है कश्मीर वैली और ये मामालेश्वर टेम्पल मामालेश्वर टेम्पल बहुत बड़ा प्री हिस्टोरिक है बट इज इट ओपन ड्यूरिंग दीज डेज नो हाँ वहाँ तो एक प्रीस्ट होता था वो आज नहीं है वहाँ चौकीदार है अंडर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ एक एम्प्लॉय है तो आपको आपको जाना हो इस नंबर पर मुझे कॉल करने में उसको आप अंदर भी जा सकते हैं मतलब दर्शन करना हो क्या तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जैसे यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं रीजन क्यों आना चाहिए मैसेज देने की जरूरत ही नहीं है जो भी यहाँ आता है जब वापस आते हैं ना वापस उनकी आंखों में आंसू आते हैं ऐसा क्यों इतना प्यार हम लोगों से ओह माय गॉड तो ये थे मेरे साथ गुलाम नबी The owner of you know the tourist cafe Pahalgam जो कि काफी इन्होंने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई और कैसे कैसे लाइक देर वॉज अ प्रॉब्लम विद दिस अर्लियर शॉप तो फिर इन्होंने नया खोला और तब से इतना चलता है मैंने बाहर भी कुछ लोगों से बात करी एंड दिस गाइज आर सो क्रेजी उन्होंने बोला भाई हम तो बार बार आते हैं यहाँ पे मैंने पूछा आप लोग पास में रहते कहते येस बिकॉज दिस कैफे इज सो गुड द फूड इज द कॉफी द कैफे स्पेशली द कावा इज सो गुड कि लोग बार बार आते हैं एवरी डे ऑलमोस्ट दे कम हेयर फॉर द फूड सो आई होप कि सिंपल सा मतलब होता है खाना अच्छा है तो डेफिनेटली क्लाइंट आएगा ऑलराइट थैंक यू सो मच